हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड सो स्टूडेंट्स दिस इज़ पार्ट टू ऑफ क्लास थर्ड मैथ चैप्टर प्ले विद पैटर्न्स इसका पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें कि हम लोग एन का चैप्टर समझ रहे थे एन के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तो पार्ट वन हो चुका है पेज नंबर वन टू वन जो क्वेश्चन हैं आपके वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट नाउ इसके बाद आप जानते हैं आपकी वर्कशीट की एक वीडियो आएगी एंड देन दे विल बी अ क्विज वीडियो ओके okay, सो so इस वीडियो में हम लोग नंबर पैटर्न से स्टार्ट करने वाले थे इससे पहले हम लोग पिक्चर पैटर्न्स देख चुके हैं वी हैव मेड सम पैटर्न विद पिक्चर्स We can make patterns with numbers too. अब हम नंबर से भी पैटर्न्स बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी वन फोर्टी वन सिक्सटी वन एटी वन हंड्रेड क्या हो रहा है यहाँ पर यू आर एडिंग ट्वेंटी टू द नंबर टू मे द नेक्स्ट नंबर आप प्रीवियस नंबर में ट्वेंटी एड कर रहे हैं जैसे कि नेक्स्ट नंबर आपका बन रहा है ट्वेंटी वन में आप ट्वेंटी एड करेंगे तो फोर्टी वन होगा फोर्टी वन में जब आप ट्वेंटी एड करेंगे सिक्सटी वन होगा इसी तरीके से एट्टी वन एंड हंड्रेड एंड वन अगर आपसे कहा जाए नेक्स्ट नंबर फाइंड करो तो देखिए हंड्रेड एंड वन में जब आप हंड्रेड एंड वन में जब आप ट्वेंटी एड करेंगे तो द आंसर विल बी वन हंड्रेड ट्वेंटी वन ओके इस तरीके से पैटर्न आगे बढ़ेगा यू नो द नेक्स्ट नंबर डोंट यू येस डेफिनेटली विनो द नेक्स्ट नंबर तो यहाँ पर आप येस लिखेंगे यहाँ पर 121 लिखेंगे दिस इज अ ग्रोइंग पैटर्न क्योंकि पैटर्न ग्रो हो रहा है uh, 20 से इट कैन गो ऑन एंड ऑन और जहां तक आप चाहें वहीं तक आप इसको ले जा सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं नंबर्स तो कभी खत्म होते ही नहीं है 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161 next will be नेक्स्ट विल नेक्स्ट विल बी टू हंड्रेड वन फिर टू हंड्रेड ट्वेंटी वन टू हंड्रेड फोर्टी वन एंड सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा लुक फॉर द रूल्स एंड कंटिन्यू दिस ग्रोइंग पैटर्स अब आपको नीचे कुछ रूल्स दिए हुए हैं उनको देखिए रूल क्या है और इस इन ग्रोइंग पैटर्न्स को कॉन्टिन्यू करिए तो देखिए फिफ्टी वन है फिफ्टी सिक्स है दैट मीन्स कि आपने फाइव ऐड किया है यहाँ पर फिफ्टी सिक्स के बाद सिक्सटी वन है फाइव ऐड किया सिक्सटी वन प्लस फाइव इज सिक्सटी सिक्स जब आप सिक्सटी सिक्स में फाइव ऐड करेंगे द नेक्स्ट नंबर विल बी सेवेंटी वन ओके ट्वेंटी एट तो है थर्टी फाइव है, 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 है यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि सेवन का डिफरेंस है सेवन की टेबल चल रही है सेवन थ्री ट्वेंटी वन तो यानी कि डेफिनेटली जो ब्लैंक है आपका वहाँ पर सेवन टू जार आना था सेवन टू जार फोर्टीन तो सेवन टू जार ट्वेंटी वन फोर ट्वेंटी सेवन फाइव हजार थर्टी फाइव सेवन सिक्स हजार फोर्टी टू सेवन सेवन जार फोर्टी नाइन ओके सो दिस इज हाउ यू विल कंटिन्यू दिस पैटर्न नेक्स्ट इज टू टूज फोर उसके बाद एट है अब देखिए इसमें बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग आप लोग सोचते हैं यहाँ पर आपने टू ऐड किया फिर फोर से आपने फोर ऐड किया फिर आपने एट ऐड किया तो हो क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पर आप जो नंबर्स ऐड कर रहे हो वही डिफरेंट है तो एक्चुअली में ये जो पैटर्न है आपका ये कुछ ये है कि टू टू जर फोर आपने टू से मल्टीप्लाई किया फोर टू जार एट फिर से टू से मल्टीप्लाई किया एट टू जार्सटी टू जार थर्टी टू अब आपने थर्टी टू टू जार दैट मीन्स आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड नहीं करना जरूर नहीं है आप ऐड ही करें तो ये नेक्स्ट नंबर होगा सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर इंटू टू करिए सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड बाई टू टू फोर जार एट टू सिक्स जार ट्वेल्व वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट नेक्स्ट नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी एट होगा इसको आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर वन टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स होगा ओके नेक्स्ट इज ट्वेल्व थर्टीन बी फोर्टीन सी तो 12, 13, 14, 15 फोर्टीन नंबर होगा और ए बी सी तो इसके पीछे डी आएगा के के बाद 16, और D के बाद और आप जानते हैं e आता है. कहने का मतलब है है. और को मिक्स करके भी कोई बनाया जा सकता लुक एट दिस ग्रोइंग पैटर्न फाइंड आउट वॉट वॉट टू एड ईच नंबर टू गेट द नेक्स्ट नंबर ये ग्रोइंग पैटर्न आपको बताइए क्या एड किया है आपने next number को फाइंड करने के लिए तो फर्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं देखिए वन था आपका आपने टू ऐड किया थ्री लाने के लिए थ्री में थ्री ऐड किया फिर फोर ऐड किया यानी कि जो आप ऐड कर रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग है पहले आपने टू प्लस किया फिर थ्री प्लस किया फिर फोर प्लस किया तो अब आप डेफिनेटली फाइव प्लस करेंगे टेन प्लस इज फिफ्टीन नाव यू हैव टू एड सिक्सटी प्लस सॉरी फिफ्टीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी ओके okay, तो ये एडिशन ज़रूरी है कॉन्स्टेंट नंबर ही रहे एडिशन भी आपका इंक्रीजिंग नंबर्स हो सकते हैं जीरो टू दैट मीन्स आपने टू ऐड किया टू प्लस फोर इज़ सिक्स सिक्स प्लस सिक्स इज ट्वेल्व पहले आपने टू ऐड किया पैटर्न समझते हैं देन यू एडेड फोर देन यू एडेड सिक्स यानी कि टू के टेबल जो है टू uh, के डिफरेंट पर डिफरेंस पर जो नंबर आते हैं वो आप ऐड कर रहे हैं पहले टू फोर सिक्स तो डेफिनेटली नेक्स्ट आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे एट ट्वेल्व प्लस एट इज़ ट्वेंटी अब आप क्या ऐड करेंगे टेन ट्वेंटी प्लस टेन इज थर्टी अब आप ऐड करेंगे ट्वेल्व थर्टी प्लस ट्वेल्व इज फोर्टी टू नाव यू हैव टू एड फोर्टीन फोर्टी टू प्लस फोर्टीन इज फिफ्टी सिक्स नाव यू हैव टू एड सिक्सटीन फिफ्टी सिक्स प्लस सिक्सटीन इज सेवेंटी टू वो समझ गए टू फोर सिक्स एट टू की टेबल के जो नंबर्स हैं वो आप ऐड कर रहे हैं प्रीवियस नंबर में अपना नेक्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वन वन में टू ऐड किया आपने तो थ्री आया वेरी गुड थ्री में देन यू एडेड फोर सेवन आया फोर में आपने ऐड किया सेवन में सेवन में आपने ऐड किया सिक्स तो थर्टीन आया तो ये तो वही पैटर्न है जो आपका ऊपर था पहले आपने टू ऐड किया है देन यू एडेड फोर देन यू एडेड सिक्स तो अब आप क्या ऐड करेंगे अब आप एट ऐड करेंगे तो दैट मीन्स थर्टीन प्लस एट इज़ ट्वेंटी वन ओके ट्वेंटी वन में आप क्या ऐड करेंगे टेन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी वन थर्टी वन में आप ट्वेल्व ऐड करेंगे द नंबर विल बी फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री में आप ट्वेल्व के बाद फोर्टीन ऐड करेंगे फोर्टी थ्री प्लस फोर्टीन इज फिफ्टी सेवन अब आप सिक्सटीन ऐड करेंगे फिफ्टी सेवन प्लस सिक्सटीन इज सेवेंटी थ्री ओके नेक्स्ट इज टू थ्री सिक्स टू में आपने वन ऐड किया थ्री में आपने थ्री ऐड किया सिक्स को इलेवन सिक्स uh, uh, को इलेवन बनाने के लिए यू एडेड फाइव इलेवन को सिक्सटीन एटीन बनाने के लिए यू एडेड सेवन अब देखिए क्या ऐड कर रहे हैं आप जस्ट अ मिनट ओके फर्स्ट यू एडेड वन देन यू एडेड थ्री यानी कि दो नंबर एक्स्ट्रा ऐड किए फिर इसमें फाइव ऐड किया तीन से दो नंबर एक्स्ट्रा फिर सेवन ऐड किया

दिस uh, ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है अमृता एंड परितोष आर राइटिंग सीक्रेट मैसेजेस देखिए अमृता ने परितोष को लिखा थ्री डब्ल्यू थ्री एच थ्री ई थ्री आर थ्री ई थ्री ए थ्री आर थ्री इस तरीके से एक सीक्रेट मैसेज लिखा है ताकि सिर्फ परितोष ही उसको डिकोड कर पाए कोई और ना कर पाए तो हम कोशिश करते हैं इसको करने की एक्चुअली परी ने क्या किया है अमृता ने क्या किया है जो वो लिखना चाहती है उसके बीच में उसने सिर्फ थ्री ऐड कर दिया आप थ्री को रिमूव कर दीजिए यहाँ से सोचे थ्री है ही नहीं अब देखिए क्या बना डब्लू एच ई आर ई यानी कि वो पूछ रही है नाउ हटाइए आर यू उसने पूछा वेयर आर यू तो परितोष ने क्या आंसर दिया इन द कैंटीन ओके कहाँ हो इसने बोला कैंटीन में तो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को सीक्रेट मैसेज लिख सकते हैं कुछ भी बीच में नंबर्स ऐड करके जो आपको लिखना है और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कैन यू टेल वॉट दे आर ट्राइंग टू से डेफिनेटली क्या कह रहे हैं वो वे आर यू और इन द कैंटीन देर आर टू सीक्रेट मैसेजेस अब यहां पर आपको और दो सीक्रेट मैसेजेस दिए हैं लुक फॉर द पैटर्न पैटर्न देखिए क्या है एंड फाइंड द हिडन सेंटेंस और सेंटेंस बताइए कि क्या है सो फर्स्ट देखिए वन आई टू एल थ्री ओ फोर वी तो देखिए वन टू थ्री फोर को अगर आप रिमूव कर देंगे यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनको इग्नोर करिए सेवन एट तो ये क्या बना आई एल ओ वीई वाई ओ यू ओके सो द सीक्रेट मैसेज इज आई लव यू नेक्स्ट इज ए टी बी एच सी आई डी एस ए बी सी डी इसमें ऐड किए हुए हैं बीच में ए को हटाइए बी सी डी ई एफ जी एच इनको रिमूव करिए आई को रिमूव करिए जे को रिमूव करिए के एल इस तरीके से एम को रिमूव करिए तो so, ये क्या बना सीक्रेट मैसेज देखते हैं अभी टी एच आई एस दिस बुक इज, ओके okay, आगे आते हैं यहां पर हमें रिमूव करना था के एल एम को एफ यू एन फन तो द मैसेज इज दिस बुक इज फन ये छुपा हुआ है इसमें अगर आपको ये डिकोड आप कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा अगर किसी को ये लिख के दे तो वो यही सोचता रहेगा कि वॉट इज दिस नाउ यू हैव टू मेक योर ओन सीक्रेट मैसेज जब आप अपना कोई भी सीक्रेट मैसेज बनाइए जैसे कि आपको हेलो लिखना है तो राइट एच ई डबल एल ओ और उसके बीच में कुछ भी नंबर्स पुट कर दीजिए ए बी सी डी ई एफ ओके तो आप लिखेंगे ए एच बी ई सी एल डी डी एल ई ओ एफ तो अगर आपका फ्रेंड जानता है कि आप सीक्रेट मैजिस्ट मैसेज इस तरीके से लिखते हैं तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा बाकी को समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा है ओके और आप अगर कोई और सीक्रेट मैसेज लिखना चाहते हैं जैसे आपको मैथ्स लिखना है तो एम ए टी एच एस इनके बीच में नंबर्स पुट कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन एम तो इस तरीके से आप लिख के दे सकते हैं एक आप खुद बताइए यहाँ पर कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से एक और सीक्रेट मैसेज आप लिखेंगे नेक्स्ट इज इवन एंड ऑड नंबर्स आपको यहाँ पर काउंटिंग दी हुई है वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन एलेवन एंड थर्टीन अप टू हंड्रेड ओके हाफ ऑफ दीज नंबर आर इन येलो आधे नंबर आपको येलो में दिख रहे होंगे एंड वॉट पैटर्न डू यू सी इन दीज नंबर कॉन्टिन्यू दैटर्न एंड फिल इन द ब्लैक देखिए आपको इसमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है जैसे कि यहाँ से हम शुरू करें अगर नाइनटी सिक्स नाइनटी एट ओके लाइक टू येलो वाले में फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्थ फोर्टीन सिक्सटीन एटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फोर सभी के लास्ट में एक तो आप देखिए टू है यहाँ पर फोर है सिक्स है एट है या फिर जीरो है ओके okay? एंड इससे हो रहे हैं ये और सभी टू नंबर्स ऐड करके आ रहे हैं तो अगर आपको इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है जैसे कि 96, 98 नेक्स्ट नंबर क्या होगा 100 टू ऐड करके नेक्स्ट नंबर 102 फिर 102 में आप टू ऐड करेंगे 104, 106, 108, 110 एंड 112 तो ये आपका पैटर्न इस तरीके से कॉन्टिन्यू होगा हाउ फार कैन यू कॉन्टिन्यू दिस पैटर्न अप टू इन्फिनिटी कहीं तक भी आप इस पैटर्न को ले जाइए uh, कितना भी आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब होता है एंडलेस

लास्ट में क्या नंबर्स आ रहे हैं पहले तो दो दो ऐड हो रहे हैं नंबर्स लास्ट में वन आ रहा है या फिर थ्री आ रहा है सबके फाइव सेवन या फिर नाइन तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं ऑड नंबर्स जैसे कि अब कंटिन्यू करना है पैटर्न आपको नाइनटी नाइन हंड्रेड एंड वन नेक्स्ट क्या होगा हंड्रेड एंड थ्री हंड्रेड एंड फाइव हंड्रेड एंड सेवन नेक्स्ट होगा वन हंड्रेड एंड नाइन नेक्स्ट होगा वन हंड्रेड एलेवन नेक्स्ट विल बी वन हंड्रेड एंड थर्टीन वॉट डू द नंबर्स इन ब्लू एंड्स विद ब्लू में जो नंबर्स हैं वो किससे एंड हो रहे हैं दे आर एंडिंग विद वन थ्री फाइव सेवन और नाइन

फोर हंड्रेड एंड फाइव फोर हंड्रेड एंड सेवन एंड फोर हंड्रेड एंड नाइन ये आपके ऑड नंबर्स हैं। राइट ऑल इवन नंबर बिटवीन वन फिफ्टी फाइव एंड सिक्सटी फाइव वन फिफ्टी फाइव के बाद आप जानते हैं वन फिफ्टी सिक्स आता है जो कि हमारा एक इवन नंबर है देन वन फिफ्टी एट देन वन हंड्रेड सिक्सटी वन सिक्सटी टू वन सिक्सटी फोर ओके ये सभी आपके uh, जो इसमें है आपके इवन नंबर्स हो जाएंगे इफ वी एड वन टू तो एनी ऑड नंबर वी गेट इंपॉर्टेंट सारे ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है ये आपके अगर आप किसी भी और नंबर में वन ऐड कर दे सपोज करिए सेवन आपका और नंबर आपने वन ऐड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा दैट विल बिकम एन ईवन नंबर ईवन नंबर बन जाएगा और अगर आप वन ऐड कर दे ईवन नंबर में तो वो क्या बन जाएगा दैट विल बिकम एन और नंबर देख लीजिए एट में अगर आप वन ऐड करें तो वो इवन बन जाता है नाइन हो जाता है वॉट डू यू गेट इफ़ यू एड एन ईवन नंबर टू एन ऑड नंबर अगर आप एक ईवन नंबर में एक और नंबर ऐड करें तो क्या मिलेगा करके देख लेते हैं टू ईवन नंबर है थ्री ऑड नंबर है ईवन और ऑड को ऐड किया तो फाइव आया फाइव क्या है ऑड नंबर है यानी कि अगर आप इवन और ऑड को एड करते हैं तो आंसर क्या होगा हमेशा आंसर विल बी एन ऑड नंबर ओके नेम इन एन ऑर्डर आदिल हैजू अरेंज द लिस्ट सो दैट द नेम स्टार्टिंग विद ए कम्स फर्स्ट ए से जो नाम है वो पहले आए एंड देन बी वाले और सी वाले इस तरीके से वो इनको uh, वो करना चाहता है बी सी डी सो सोन अरेंज करना चाहता है जैसे कि आपके डिक्शनरी ऑर्डर होता है नंबर नंबर दीज नेम्स इन द ऑर्डर इन विच विल कम किस ऑर्डर में ये नाम आएंगे वो आपको यहां पर बताने हैं जैसे कि सबसे पहले ए से शुरू करना है उसको तो फर्स्ट नंबर पर आदिल आएगा सो so, आदिल के सामने आप लिखेंगे नंबर वन यस ये नंबर वन है उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका बाइचुंग आएगा क्योंकि बी से शुरू हो रहा है दिस इज नंबर टू आफ्टर बाइचुंग एलविस आएगा ई e से शुरू हो रहा है दिस इज नंबर थ्री नंबर फोर पर आपका ए uh, बी जी गुरविंदर आएगा दिस इज नंबर फोर नंबर फाइव पर आपका हर्षा आएगा दिस इज नंबर फाइव नंबर सिक्स विल बी जलाज नंबर सिक्स पर आपका जलज जलज आएगा ओके नंबर सेवन पर कविता जे के एलेवन उसके बाद नंबर एट पर आपका आएगा एल एम महादेवन दिस इज नंबर एट ओके नंबर नाइन पर नारायण एम के बाद एन आता है आपका नंबर टेन पर होगा आपका राजा क्यू आर ओके उसके बाद नंबर इलेवन विल बी शारदा ओके नंबर ट्वेल्व एस हो चुका है हमारा एस टी बाद नंबर थर्टीन विल बी ट्वेल्व वारशा क्योंकि W सबसे लास्ट में आएगा अगर हम अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इनको देखें W लास्ट मतलब इनके अकॉर्डिंग नाम में W सबसे लास्ट में आएगा सो तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होगा या बुक में कर लेंगे जलज इज प्राउड टू बी हैव अ स्पेशल नेम जलज का क्योंकि स्पेशल नाम है ही सेज इफ़ यू रीड इट बैकवर्ड इट स्टिल द सेम अच्छा जी जे ए एल ए जे इसको लास्ट से पढ़िए जे ए एल ए जे लास्ट से भी आप रीड करेंगे तो सेम ही आएगा विच ऑफ दीज नेम्स हैव द सेम पैटर्न मार्क ऐसा ही पैटर्न और किस में है ये आपको मार्क करना है हर्ष को देखिए लास्ट से पढ़ेंगे तो एच एस आर ए एच होगा ये हो जाएगा हर्ष हशरा हा, तो ये तो नहीं होगा ए डबल एन ए ये शुरू से भी ए डबल एन ए है लास्ट से आप रीड करेंगे तो भी अन्ना ही है तो यानी कि इसमें स्पेशल पैटर्न है इसको सर्कल कर दीजिए वो जो जलज के नाम में के ए एन ए के और शुरू से भी ये के एन ए के ही था तो यानी कि ये भी स्पेशल नाम है अनुम और शुरू से मुन्ना था इसमें नहीं है ऑन बी और लास्ट से आप पढ़ेंगे तो आई जी तो इसमें नहीं है तो यानी कि कहने का मतलब है, दो नाम में ऐसा पैटर्न है फर्स्ट इज अन्ना सेकेंड इज कनक ओके सो दैट इज ऑल स्टूडेंट्स ये था आपका चैप्टर होपफुल चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद हम लोग वर्कशीट करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और उसके बाद आपकी क्विज की वीडियो आएगी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम